सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल और ख़ास, क्योंकि आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं जो बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह Xiaomi MI का फ़ोन यूज करते हैं, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर आपको भी इस तरह कॉल लॉग शो नहीं हो रहा है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम शो होती है या आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइज हमें जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन पर हमें क्लिक करके यहां पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर हम क्लिक करेंगे। हमें यहां पर देखना है हमारा सिस्टम अप टू डेट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसे अपडेट पर लगा देंगे। देखिए, ये मेरे से डाउनलोड अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे डाउनलोडिंग पर लगा दूंगा। सिस्टम अपडेट चेक करने के बाद गाइज, अगर आपको सिस्टम अपडेट मिलता है तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है, अगर नहीं मिलता तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज आपको सेटिंग में आ जाना है दोबारा से। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, ऐप्स पर क्लिक करना है। और सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं मैनेज ऐप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर शो होगा फ़ोन सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, नीचे आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं, फोर स्टॉप, डिजेबल, क्लियर डाटा। आपको फोर स्टॉप पर एक बार क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आपको इसका जो क्लियर डाटा है वो कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद गाइज आपको जाना है इसकी ऐप परमिशन पर। यहाँ पर ये कोई भी परमिशन नहीं मांगता है। तो गाइज, बहुत से ऐप्स में हमें परमिशन दी होती है, अगर वो ऑन होती है तो हमें उसे ऑफ कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पर ये परमिशन नहीं मांगता है। ये सब करने के बाद गाइज हमें आ जाना है बैक। बैक आने के बाद हमें अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है, या एक बार बंद करके दोबारा से आपको इसको चालू कर लेना है। इस तरह आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।